Secular front, secular advocates front condemns the incident that has unfortunately happened in the limits of K. G. Hurley and D. J. Hurley which resulted in loss of life and property. The cause of the incident was due to the disparaging remark made by a person against the prophet which hurted the sentiments of the community. The front appeals to the public not to take the law into their own hands and Maintain peace and tranquility. We, the front, have worked during pandemic continuously for the pub, for the citizens of Bangalore and especially the migrants, day in and day out, twenty four hours, irrespective of caste and community. We request the police to release the innocent people who have been allegedly been falsely implicated and pray for peace and tranquility of Bangalore. Kal ka के जी हड्डी और डी जी हड्डी लिमिट्स के में हुआ इसको हम हर तरह से कंडम करते हैं हम उन तमाम अफराद के साथ हैं जो कल की पुलिस की फायरिंग में जो कल तीन अशखास मारे गए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम हम प्यारी कौम को जो सानिया कल हुआ इसके बदौलत जो सदमा पहुंचा है इसके लिए हम उनको उनके साथ हैं और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने जज्बों को संभालें और फसादत में मुलविस ना इससे पूरी होम जो है बदनाम होती है लिहाजा अपने जज्बात को अपने काबू में रहें जोश है होना चाहिए मगर इस जोश में अपने होश को गंवाना ये बहुत बड़ी है। गलती है।, है तो अपने होश को संभालें और बेंगलोर में ख़ास तौर के ऊपर जो दूसरे एरिया से उन तमाम से हम अपील करते हैं कि वह अमन को कायम रखें और क़ानून को अपने हाथ में ना लें और हम आज इस दौर में इस घटन में जो अहबाब बिलावजा जो मासूम अफराद को पुलिस जिनको गिरफ़्तार की है उनको छुड़वाने के लिए भी जो है हम सेकुलर फ्रंट्स के एडवोकेट जो है स, उनके साथ रहेंगे और जो भी अहबाब इसके अंदर जो भी ज़रूरत है वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इन उनको बाइज़त बरी करने की कोशिश करेंगे